मेरे साथ हवाला निकाल लिए मत्ती और उसका मत्ती 10 बार और उसकी 5 से 15 आयत तक तिलावत करूँगा और रिक्वेस्ट है कि नाम मुकद्दस कलाम मुकद्दस में लिखा है इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरुओं को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी न पैसे, रास्ता के लिए न झोली लेना, न दो दो कुर्ते, न जूतियाँ, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की नस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। बकराम का बड़ा और सुना जाना उसे के लिए वायस बरकत हो। जनाब बशर जावेद इकबाल साहब को दावत देंगे अपनी भरपूर तालियों में ताकि जो कुछ खुदावन के रूह कुदस ने भरपूर तालियों में जब ताली की बात आई है वो भी खुदावन के बंदों के लिए खुदावन के बंदे जो हैं वो खुदावन का कलाम हम तक पहुंचाते हैं भरपूर तालियां देंगे जोर से दावत देंगे ताकि वो आज के कलाम को हम सबों की हिदायत व रहबरी के लिए हमें खुदावन के कलाम में से सिखाने वाले बने। थैंक यू भाई खुदावंद आपको बरकत दे और आप सब कुछ यहाँ मौजूद हैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी कन्वेंशन का पहला दिन है तमाम कमेटी का और ख़ास तौर पर भाई प्रवेश पुरम का उनकी मोहब्बत के लिए जिन्होंने आज मुझ बंदा नजीस को दावत दी कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के साथ बांट सकूं और आप सब जानते हैं मैं चाहता हूं कि हम पहले इस बात को समझ लें कि आप लोगों ने जवाब देना है हमारी कन्वेंशन का मजमून क्या है।
आवाज नहीं आई। खुदा की कलीसिया, खुदा की बादशाही ऊपर सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और खास मखसूस वर्ष, सुनहली वर्ष क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को कुछ यहां से हासिल करके जाएं। मत्ती 4 बाब उसकी 17 आयत है। ये पंफलेट आप लोगों को मिले, लेकिन आप लोगों ने शायद पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता, उसको देखा होता, तो फिर आप लोगों को इस बात का जरूर इलम होता। तो लिहाजा मैंने क्या बताया कि आज का मजमून क्या है, खुदा की बादशाही। और खास वर्ष क्या है, मत्ती 4 बाब उसकी 17। क्या लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आए एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अगर खुदावंद खुदा लोगों को लाना चाहता है, जो बरकत पाना चाहते हैं, खुदावंद उनको तैयार करे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, और मैं चाहता हूं कि हम सब खड़े हो जाएं। हम सब खड़े होकर दुआ करेंगे और अपने हाथों को उठाएं, आज़ादी महसूस करें कलाम के लिए कि खुदावंद खुदा तुम्हारे ज़हनों को खोल, आज हम कुछ हासिल करके जाना चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, कौन तेरा कलाम बयान कर सकता है, कौन तेरा कलाम सुना सकता है, कौन सुन सकता है जब तक तू किसी के साथ ना हो। ऐ रूहे पाक, तेरा जबरदस्त मसा लमा बलमा हमारी इबादत में बढ़ता ही चला जाए। और ऐ खुदावंद खुदा, जो घरों में बैठे हुए हैं, ऐ रूहे पाक, तेरा मसा उनको टच करे, तेरा मसा उनको छुए, वो भी तेरे कदमों में खिंचे चले आए। और जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंचती है उनको भी बरकत मिले। ऐ रूहे पाक, आज की सारी इबादत को तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जमात बैठ जाए। मैंने आज के मौजू का तारफ करवा दिया है आप लोगों के साथ। हमारी इस वक्त 2 जमातें हैं। कौन सी 2 जमातें? एक यहां आप लोग जो बैठे हुए हैं, एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान 4 सूबों में से और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग हमें वाच कर रहे हैं। शायद यहां तो हम थोड़े से हैं, लेकिन हजारों की तादाद से हमें लोग व्यू कर रहे हैं। जो कलाम इस वक्त मैं सुना रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक के जरिए। तो आज का जो हमारा मजमून है वो है खुदा की बादशाही। और जितने यहां पर हैं, खुदा की बादशाही को समझने के लिए जब तक हम हिस्ट्री की बात ना करें, जब तक कि हम तारीख की बात ना करें, यीशु से पहले जो दुनिया में सल्तनतें आईं, जो हुकूमतें कायम की गई, उनका तर्ज बयान, तर्ज रिहाइश, तर्ज जिंदगी हमें मालूम ना हो, तो फिर हम पूरे तौर पर आज का जो हमारा मजमून है उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इतना वक्त नहीं है कि हम और ज्यादा मजमून को फैलाएं। हम इसराइल की सल्तनत से बात करते हैं। सबसे पहला बादशाह कौम बनी इसराइल का कौन सा था? सौल बादशाह। और सौल बादशाह की सल्तनत को आप अपने सामने रखें, उसके बाद
जब सौल की सल्तनत खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कि उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक हुकूमत ना की। जब कोई खुदा की मर्जी के मुताबिक हुकूमत या जिंदगी या खानदान या सल्तनतें नहीं चलती तो खुदामंद खुदा उनको सफाई हस्ती से मिटा डालता है। और उसके बाद हम दाऊद बादशाह की सल्तनत को देखते हैं, जिसको खुदामंद खुदा ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया और उसकी सल्तनत को बढ़ाया। और उसके बाद दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान बादशाह बना और उसी के जमाने में खुदा ने यह प्लान किया कि मैं जमा इज्तिमा में रहता सबको जमा किया बनाए, लेकिन खुदा ने उसे मना कर दिया। जरूरी वो तो कच्चा काम करने को जा रहा था, लेकिन खुदा ने उसे मना कर दिया, तेरे हाथों ने बहुत खून बहाया है और इसलिए जो तेरा बेटा तेरे सुलभ से पैदा होगा वो सल्तनत इस सुलेमानी हैकल को जो है इस हैकल को बनाएगा, क्योंकि वो सुलेमान ने हैकल बनाई और इसलिए उसका नाम सुलेमान हैकल पड़ गया। और उसके बाद उसका बेटा रोहबाम सल्तनत करने लगा और रोहबाम के पास बुजुर्ग आए, उसे कहने लगे कि तू हमारी मुसीबत को क्या कर दे, कम कर दे। तो उसने कहा कि तुम कल मेरे पास आना। और उसने दो लोगों से मशवरत की। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। उसने दो किस्म के लोगों से मशवरत की। आज भी जो हम देखते हैं हमारे मुल्क का वजीर आजम है, उसके भी मशीर उन्होंने रखे होते हैं। उस वक्त जमाने में मशीर होते जो बादशाह उनसे डिस्कस करता था। तो उसने बूढ़े लोगों से पहले पूछा, उसने कहा कि तुम रोबाम से कहा कि ये मौका है कि तू उनकी बात मान ले तो सारी उम्र तू हुकूमत करेगा। फिर उसने नौजवानों से पूछा, तो नौजवानों से जब उसने पूछा तो उसने कहा नहीं, ये तो मशवरत है, ये सही नहीं है। और तू ऐसा कर कि तू उनको ये जवाब देना कि मेरे बाप की जो वेस्ट है कमर है उससे मेरी कमर जो है वो बड़ी है, उसने तुम्हें कोड़ों से दुरुस्त किया, मैं तुम्हें कांटों और बिच्छुओं से दुरुस्त करूंगा। और उसी वक्त उसकी हुकूमत क्या होगी, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक शिमाली हुकूमत और दूसरी जनूबी हुकूमत। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं गो या ज्यादा लोग नहीं हैं ताकि वो मजमून को समझ सके, ताकि आने वाले खादमों के लिए खादमीन के लिए मैं एक बुनियाद तैयार कर सकूं जिस पर वो आकर जो है रूहानी रद्दा रखेंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। और कल का वाइस भाई जूलियस भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो लिहाजा शिमाली हुकूमत जो है इसराइल की हुकूमत जो 10 कबीलों की थी, और उसके बाद हम ये देखते हैं जनूबी सल्तनत यहूदा की कहलाई। और ये सल्तनत इसलिए बट गई क्योंकि उसके जो मशीर थे उन्होंने उसे सही गाइड ना किया। आज भी अगर दुनिया को आप उठा के देख ले, अच्छे लोग मिल जाए तो उसकी कैबिना उसकी पार्लियामेंट जो है वो अच्छी चलती है। अगर उसके वजीर और मशीर जो खाऊ है और करप्शन
करप्शन करप्टेड हैं, तो वो बादशाह वो हुकूमत जो है वो जीरे आजम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अब मैं फौरन, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, बहुत कुछ कहा जा सकता था लेकिन आप लोगों ने मुझे तकरीबन 10:30 बजे मौका दिया, तो मैं तो कलाम से भरा हुआ था लेकिन जब माहौल देखा, ये सारी चीजें देखी, तो मैं कलाम तो सुनाऊंगा, चले थोड़े हैं या ज्यादा है, खुदा को ज्यादा या थोड़ों से गरज नहीं। अगर हम में से चंद एक लोग भी आज इस कलाम को सुन के बरकत पाए तो बरकत तो हम पहले ही पा चुके हैं। क्यों? इसलिए कि हमने जो हमें कहा गया हम उस कहने के मुताबिक आ गए। जैसे ही हमने सईदुल्ला गोट में कदम रखे उसी वक्त हमें बरकत मिल गई थी। हालेलुया! आप तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया! प्रेज गॉड! जाओ बरे की। तो अब हम मेरे वो थोड़ा सा खाका खेचा पुरानी सल्तनत के बारे में, अब मसीह की सल्तनत के बारे में हम आते हैं, खुदा की बादशाहत की तरफ आते हैं। अगर आप जकरिया पुराने ऐदनामे की किताब है, जकरिया 9 बाब पढ़ें और 9 बाब की 9वीं आयत से पढ़ें, तो 2 ग्रुपों का जिक्र किया गया है। एक दुख्तरे सयून का जिक्र किया गया है, एक दुख्तरे यरूशलेम का जिक्र किया गया है। इन दो हैं, दोनों एक हैं, लेकिन एक फर्क के साथ। जो मुझे यहां सुन रहे हैं और घर बैठे पाकिस्तान के दूसरे सूबों में और पाकिस्तान से बाहर मुझे सुन रहे हैं, मेरा यह काबिल ईमान है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जब हम कलाम को खत्म करेंगे तो आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया! तो हम ये देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या। मैंने बताया कि ये है एक ही चीज है, एक को दुख्तरे सय्यून कहा गया है, एक को दुख्तरे मिस्र किया, सॉरी दुख्तरे यरूशलेम कहा गया है। ये जो पिछले दिनों में हमने संडे को पाम संडे मनाया तो ये उसका हवाला है। देख तेरा बादशाह गदी के बच्चे लातू पर खड़ा हुआ आता है। इन दोनों जो ग्रुपों को खुदावन खुदा ने इनसे हम कलाम हुआ। तो अब हम ये देखते हैं बात हो रही बादशाह की। तो आप लोग जो इंतजाम में लगे हुए हैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप जरा कलाम को सुने ताकि आप बरकत पाएं। अब मैं दोनों में फर्क बताने को जा रहा हूं। दुख्तरे सय्यून वो लोग थे जो अपने ईमान के वसीला से खुदा की कुर्बत में थे, खुदा उनको पसंद करता था, जिसका जिक्र अब्रानियों 11:6 में मिलता है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। दुख्तरे यरूशलेम, उसके बारे में मैं दोनों का फर्क बता रहा हूं। दुख्तरे यरूशलेम जो है एक ऐसे बादशाह की तलाश या इंतजार कर रहे थे कि वो उनको आकर रोमी हुकूमत के कब्जे से छुड़ाएगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की और खुदावन उनसे निकल गया। खुदावन ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर इस दुनिया की होती तो अभी 12 तुम्मन खुदा अपनी फौज को भेज देता। एक तुम्मन में 6,000 फौज होती है और रोमी हुकूमत के जमाने की बात कर रहा हूं, तो 12 × 6 = 72,000। तो खुदावंद खुदा ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही कहां की है? आसमान की बादशाही है। और यही वो मजमून है जहां मैंने ला के आप लोगों को खड़ा कर दिया। तो लिहाजा हम ये देखते हैं
यीशु की बादशाही आसमान की बादशाही है, और यीशु ने अपने मशीर चुने। जैसे मैंने बताया कि लोग अपनी हुकूमत को चलाने के लिए उनके मशीर होते हैं जो उनसे वो मशवरा करते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि खुदा की बादशाही, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का मरकजी नुक्ता है, और खुदा की बादशाही खुदावंद की खिदमत का एक बुनियादी जुज है। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, लेने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद चार आजमाइशों का जिक्र आता है, और खुदावंद यीशु मसीह जंगल में चला गया, 40 दिन तक आजमाया गया, फिर रूह से भरा हुआ वापस आया। जब वो रूह से भरा हुआ वो वापस आया तो उसने अपनी जबान को खोला और कहा कि आसमान तौबा करो, ये खोल दे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस नोट से अपनी खिदमत का आगाज किया, और इत्तेफाक की बात है जो खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो है यूना इस्तबागी, उसने भी इसी नोट से खिदमत का आगाज किया। अगर आप देखना चाहें तो भाई जूलियस इसको मारने पड़ेंगे, मत्ती 3 बाब उसकी 2 है, तीन बाप दो है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी के बाल को क्यों हुआ, बयाबान को पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके राह से सीधे बनाओ। थैंक यू भाई। तो लिहाजा मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब रूह से भरा हुआ जंगल से आया, और उसने सबसे पहले जो अल्फाज करे मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब उसकी 17, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और खुदावंद यीशु मसीह का पेश रहो, वो भी इसी नोट से खिदमत का आगाज करता है। तो लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो है इसी तालीम से भरी पड़ी है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 23, मत्ती 4 बाद उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे कि खुदा की खिदमत में 3 बातों का होना लाजमी है। इसके बाद मत्ती 9 बाब उसकी 35 आयत हम पढ़ेंगे, पहले हम 4 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके बादशाहों की तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुलाकात करता, और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता। थैंक यू। तो मैंने कहा कि खुदावंद की तालीम और उसकी खिदमत का खुदा की बादशाही जो है ये बुनियादी नुक्ता था, और इसके बाद मत्ती 9 बाब उसकी 35 आयत को हम पढ़ लें, फिर मैं बात करता हूं। और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके बादशाहों में ये तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता। थैंक यू भाई। मरकज पहला बाब 15 आयत, एक और वर्ष हम पढ़ लें फिर मैं इसको बयान करता हूं। मरकज पहला बाब उसकी 15 आयत, अगर खुदा और कहा हुआ पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। थैंक यू भाई। आपने इस वक्त कलाम को सुना है,
पहले हवाले में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गलील में और उनके शहरों में, मुल्क में, इबादत खानों में क्या करता रहा, तालीम देता रहा, एजुकेशन, टीचिंग। आज अगर कमी है जो हमारे स्पिरिचुअल बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमारी न्यू ही कमजोर है। हमारी रूहानी तौर पर एजुकेशन जो है, यीशु तालीम देता रहा, एजुकेट करता रहा, लोगों को बताता रहा। और दूसरी बात क्या है, खुदा की खुशखबरी की क्या करता रहा, मनादी करता रहा। और क्या लिखा आगे, तीसरी बात, उनके बीमारों को क्या करता रहा, शफा देता रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत तीन बातों पर मुनसर थी। ये जो हवाले मैंने आप लोगों के साथ पढ़े गए हैं, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। आप जानते हैं कि सबसे पहली दफा जब मैं आया था तो ये हाल पूरे का पूरा भरा हुआ था, खचा खचे का। जब मैं हीलिंग के लिए दुआ कर रहा था और एक बच्ची तो उसका पूरा हाथ गला हुआ था और उसने गवाही दी, शायद वो आप लोगों के पास होगी या भाई के पास होगी, किसी के पास है। तो जैसे मैंने दुआ की वो भागी स्टेज पर आई, उसने गवाही दी कि मेरा ये हाथ सारा गला हुआ था और जैसे पर साहब ने दुआ की मेरा हाथ सही हो गया। बात मैं ये कर रहा हूँ खुदा की बादशाही की मनादी, यानी जब हम खुदा की बादशाही की मनादी करते हैं तो यीशु की मनादी में तीन बातें थी। कौन सी तीन मनादी बातें थी, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। तो वो बेटी अपनी गवाही देके जैसे गई और लोगों की काफ़ी लाइन लगी हुई थी गवाहियों की। भाई परवेज इस बात को जानता होगा, अगर आप लोग उसमें से थे तो आप लोगों को भी पता होगा। और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आई, उसने शायद देखा होगा अपने हाथ की तरफ। तो यकीन जाने, आप गौर से सुने, वो दोबारा भागती हुई आई। फिर उसने क्या गवाही दी कि मेरा हाथ इस हाथ की मानद हो गया है। आप ताली बजाना चाहें तो ताली बजा सकते हैं और बजाना चाहे जोर से बजाएं कि उसी लम्हे उसके सारे चमड़े के निशानियां भी खत्म हो गई, स्कार भी खत्म हो गए। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तुम्हारा दवाइया ग्रुप का नाम है इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप। पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर तो मैं नहीं गया लेकिन मेरा कलाम पूरी वर्ल्ड में जाता है और व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खुदा का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक जाता है। तो मैं खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करता हूँ। आप ये देखें कि मेरी बाइबल हमेशा बंद होती है। एक दफ़ा आप लोगों में से किसी ने कहा था ये खादम कैसा है, ये ना बाइबल खोलता है और ना पढ़ता और बस शुरू होता है तो शुरू होता जाता है। तो इसका राज मैं बताने लगा हूँ। सन 74 में जब मैं 20-22 साल का हम लोगों की उम्र का था तो मुझे नई जिंदगी का तजर्बा हुआ, खुदा की बादशाहत का तजर्बा हुआ। तो मैंने खुदा से एक नेमत मांगी और वो नेमत थी कलाम की नेमत। कहे खुदावंद तू मुझे कलाम की नेमत दे, क्योंकि जब मैं देखता था बड़े बड़े नाम, प्रोफेसर, डीडी, इतने जो है और बड़े नाम है, जब वो कलाम सुनाते थे होता कुछ भी नहीं था। तो मुझे उस वक्त पता नहीं था मैं क्या मांग रहा हूँ। मैंने कहा खुदावंद से तू मुझे कलाम की नेमत देगा, मैं लोगों को सोने नहीं दूंगा। और भाई जूलियस, हमने दोनों ने बहुत खिदमत किया, पंजाब में भी आते जाते रहे, वो जानते हैं मेरी खिदमत को। तो उस रात जब मैं सोया हुआ था मैंने देखा कि आसमान साफ है, अचानक बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो मैं बाहर निकला और
उस बारिश में ही मैं नहाया और फिर क्या देखता हूं कि रुई के गाले यानी सफेद सफेद कुछ चीजें गिर रही हैं। मैंने अपने दोनों हाथ इस तरह से किए और उनको अपने हाथ में लिया और वो यकीन जाने बिल्कुल ब्राउन धनिए के दानों की मानंद बन गए। खुदावन ने कहा मुझे, जावेद बेटा तूने कहा था कि कलाम खिला दे, ले कलाम खा जा। और वो दिन और आज का दिन है, मैं इस कलाम को ऐसे खाता जैसे भूखा आदमी खाना खाता है। खुदा ने मेरे अंदर ही कलाम डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बड़े की। खुदा की बादशाह एक भेद है, ये आम बादशाह ही नहीं जैसे आम लोगों की होती है। अब हम ये देखते हैं बहुत सारे लोग खुदा की बादशाह को नहीं समझते। आप लोगों को मैं ठाक के यूहन्ना के झील तीसरे बाब में लेके जा रहा हूं। खुदा यीशु मसीह निकोदीमस से बात कर रहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो दूर की बात है और खुदा तो तवक्को करता था कि इसको खुदा की बादशाह के बारे में इल्म होगा, लेकिन वो कोरे कागज की मानत था और उसे किसी इस बात का इल्म नहीं था कि खुदा की बादशाह क्या होती है। और आज भी बेशुमार लोग हैं जो कलीसिया में तो हैं, कलीसिया में चर्च में जाते हैं लेकिन खुदा की बादशाह तक नहीं पहुंच पाते। तो लिहाजा आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कन्वेंशन कमेटी के लिए, भाई प्रवेश खुरम के लिए, उन्होंने इस जरूरत को महसूस करते हुए खुदा की बादशाही का मजमून रखा। खुदा की बादशाही के अगर अदादो शुमार को उठा के देखें 34 बार खुदा की बादशाही का लफ्ज मत्ती की अंजील में आता है, मरकज की अंजील में 5 बार खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है। अगर आप लोग स्टडी करने वाले हैं तो आप जरूर मेरे लफ्जों को नोट करें और फाइंड आउट करें। लूका की अंजील में 33 टाइम 33 बार खुदा की बादशाहत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यूहन्ना की अंजील में 9 बार खुदा की बादशाहत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खुदा की बादशाही के हवाले से मैं 3 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं भी इससे पहले कंफ्यूज था कि ये जो अलग अलग स्टेटमेंट मसीह यीशु ने दिए इनका क्या मकसद है। तो आप तवज्जो से सुने जो पहले 3 हवाले पढ़े गए हैं जो भाई जूलियस ने पढ़े हैं, उनमें यह लिखा गया कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। एक और पहलू है, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है और खुदा की बादशाह तुम्हारे दरमियान है। अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 12 बाब उसकी 28 आयत पढ़े, 12 बाब की 28 आयत, या खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर मैं खुदा की रूह से बदरुओं को निकालता हूं तो फिर खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। तुम्हारे खुदा के रूह की मदद से बदरुओं को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। हाँ, आ पहुंची। पहले क्या है, तुम खुदा की बादशाह नजदीक आ गई है और फिर लिखा कि तुम्हारे पास आ पहुंची है, तुम्हारे दरमियान है। और तीसरा पहलू जो है खुदा की बादशाही का, मैं वो बयान करने को जा रहा हूं मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं। दुआए रबानी में ये लफाज हम पढ़ते हैं, बड़े भाई तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो। थैंक यू। आपने तीन स्टेटमेंट किसको याद हो गई, किसको याद हुई जमात में से? तेरी बादशाह क्या है, तेरी बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, आ पहुंची है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, आए फ्यूचर। तो आप कौन सी सही मानेंगे, किस स्टेटमेंट को आप सही मानेंगे खुदा यीशु मसीह की? जब खुदा यीशु मसीह कह रहा है तो तीनों ही दुरुस्त हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। पहली दो का तौलक दिल की बादशाही के साथ है और इनविजिबल किंगडम ऑफ गॉड जो मैं नजर नहीं आती। इस बादशाह को कायम किए हुए तकरीबन 2000 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। जहां कोई सच्चे दिल से तौबा करता है उसके अंदर खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है। यकीन जाने बदरू है वही लोग नकारते हैं, बदरू है वही लोग नकारते हैं, मुर्दे वही लोग जिंदा करते हैं, कोड़ियों को वही पाक साफ करते हैं, कमजोरों को वही शफा देते हैं जिनकी जिंदगी में खुदा की बादशाह कायम हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ परे की जब तक किसी के जीवन में खुदा की बादशाह कायम ना हो वो बदरू है नहीं निकाल सकता। वो ये तो कह सकता भी चली जा फिर आ जाना, दोनों की बात रह जाए। अगर आप चाहते हैं खुदा के लिए इस्तेमाल होना तो खुदा की बादशाहत आपके जीवन में कायम होना लाजमी है। तो मैंने ये बताया, पहली जो तेरी बादशाहत नजदीक आ गई है और नजदीक आप पहुंची, हमारे दरमियान है, इसका ये इस बादशाहत का तलक, इन दोनों बादशाहत का जो तलक है दिल के साथ है। जब हम कबूल करते हैं यीशु बादशाह है और वो हमारे दिल में हुकूमत करता है, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था और थोड़ी देर के बाद इसको मैं क्लियर करूंगा। और तीसरा ब्याह आए, इसका ताल्लुक किसके साथ है, फ्यूचर के साथ ताल्लुक है। ये किस्म की प्रीचिंग और टीचिंग भी हो रही है, इसके बाद हीलिंग भी होगी। मेरी खिदमत के अंदर मैं ज्यादातर ये तीनों बातों पर जोर देता, प्रीचिंग टीचिंग एंड हीलिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि इस बादशाही का तलक फ्यूचर के साथ है। पहली बादशाह के बारे में मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? ये बादशाह दिल के साथ इसका तलक है, ये इनविजिबल नजर नहीं आती। जब हम तौबा करते हैं हमारी जिंदगी में खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है। दूसरी बात जो है, दूसरी बादशाही विजिबल है जो नजर आने वाली है, ये हजार साल बादशाहत होगी जिसका अभी सारा हम देखते हैं कि मुल्क फलस्तीन के अंदर यरूशलेम दारुल खिलाफा मंजूर कर लिया गया है, हैकल बनेगी, ये सारा कुछ अनकरीब मुस्तकबिल का वाकया है। हजार साल बादशाह जमीन पर होगी, विजिबल बादशाहत होगी। और इस हजार साल बादशाह में वही लोग जाएंगे जो इनविजिबल बादशाह में, जिन्होंने पहले मसीह यीशु को कबूल किया वही उस बादशाह में जाएंगे। और यहूदी लोग भी इसी में तौबा करेंगे और वो भी इस बादशाह में दाखिल होंगे। तो लिहाजा मैं आप लोगों को यहां तक लेकर आया कि एक जो सल्तनत है या हुकूमत है, खुदा की बादशाहत की हम बात कर रहे हैं, पीछे से मैं लेके चला, हिस्ट्री से लेके चला, तो खुदा की बादशाही की तारीफ दो लफ्जों में या एक फिक्र हम क्या कर सकते हैं, यही आज का मेरा मजमून है। किंगडम ऑफ गॉड इज अ प्लेस वेयर जीसस इज किंग, यानी खुदा की बादशाह वो जगह है जहां यीशु हुकूमत करता है, जहां यीशु हुकूमत करता है। एक हुकूमत के अंदर चंद बातों का होना लाजमी होता है,
बादशाह हो और टेरिटरी उसका इलाका हो, और उसके बाद रियाया हो, लोगों के लोग ही तो बादशाही केस पे करनी है। और नंबर चार, अथॉरिटी इख्तियार सब्जेक्ट होना लाजमी। चार बातें एक सल्तनत में होना लाजमी है। आप जानते हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त हुकूमत को चलाने वाला वजीर आजम हम देखते हैं इमरान खान है, उसकी रियाया पाकिस्तान के लोग हैं, उसकी एक टेरिटरी एक इलाका है, उससे आगे उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। और जहां पाकिस्तान की हुकूमत खत्म होती है वहां से हिंदुस्तान, इराक, ईरान और दूसरे इलाके जो चार ममालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सरहदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहां से उनकी हुकूमत शुरू हो जाती है। तो वजीरे आजम का इख्तियार बॉर्डर तक है, बॉर्डर से अगली हुकूमत तक उसका इख्तियार खत्म हो जाता है। मेरे साथ है ना आप लोग? तो किसी भी सल्तनत का इख्तियार उसकी अपनी हुकूमत अपनी टेरिटरी तक रहता है, लेकिन जहां उसकी हुकूमत या हद खत्म हो जाती है, इलाका खत्म हो जाता है, वहां उसका इख्तियार भी खत्म हो जाता है। सही कहा मैंने? तो फिर इख्तियार हतमी फैसला जो भी चीफ जस्टिस करता है या पार्लियामेंट में डिसाइड किया जाता है और हतमी साइन जब तक के वजीर आजम के नहीं होते वो बात आगे नहीं बढ़ती। अथॉरिटी इख्तियार की बात कर रहा हूं। तो आपने अगर मेरे साथ रहे तो आपने सुना कि दुनिया की सल्तनतें एक महदूद इलाके को जाहिर करती हैं, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा की बादशाही की बात कर रहे हैं, इसका इलाका क्या है? इसका इलाका क्या है? जकरिया 14 बाप उसकी 9 है। जकरिया 14 बाप उसकी 9 आयत को हम देखते हैं, जबूर 103 उसकी 19 आयत को हम देखते हैं, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। हालेलुया। समझ में आई नहीं आई? दोबारा भाई पढ़े और जरा गौर से सुनिएगा लफ्जों पर तवज्जो से। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। ये बादशाह वक्ती तौर पर हैं और इनकी हुकूमत महदूद है, लेकिन एक बादशाही आने वाली है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बड़े की, जो सारी दुनिया का बादशाह होगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, आसमानियों का हो या जमीनियों का या जमीन के नीचे का हो, वो सबका खुदा होगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। जबूर 103 उसकी 19 है जी। हवाले में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वो ज्यादा वो करूं। खुदा ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है। नंबर वन क्या? खुदा ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। और उसकी सल्तनत किन पर मुसल्लत है? वादरी है सब पर। सबसे मराद ये पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सातों जो बड़े आजम हैं। एक हवाला सिर्फ मैं और बता देता हूं, हम पढ़ेंगे नहीं उसको। दानियल 4 बाब में अगर आप बाइबल के शिगिर्द हैं, डिसाइपल हैं, तो आप समझ गए कि मैं क्या कहने को जा रहा हूं। ये बाबली हुकूमत के बारे में बता रहा हूं। तो नबूकदनज़र बादशाह के दौर की बात है, उसके अंदर घमंड गुरूर तकब्बर छा गया। वो कहता है क्या ये बाबले आजम नहीं जिसको मैंने अपनी कुदरत से ताकत से बनाया है? देन व्हाट हैपन, क्या हुआ? लिखा है उसकी रूह उससे क्या हो गई? लग हो गई। जानवरों जैसा दिमाग उसको दे दिया गया, इंसानों की हुकूमत से उसको लग कर दिया गया,
जंगलों में रहा और घास खाता रहा, बाल बढ़ गए, नाखन बढ़ गए। कितने साल गुजरे उसके ऊपर, किसी को याद है? 7 बरस तक जानवरों की तरह घास खाता रहा। फिर कहता है कि मेरी अकल मेरे अंदर वापस आई और मैंने जाना कि खुदा दुनिया की हुकूमतों पर क्या करता है, सल्तनत करता, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। फिर उसको ख्याल आया, फिर उसने अपने गुनाहों से तौबा की, हालेलुया, प्रेज गॉड, क्या हो भरे। तो ये वो हवाला जात है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। खुदा की बादशाह हमें से हम थोड़े हैं या ज्यादा, उससे खुदावंद को गर्ज नहीं, लेकिन खुदा दिलों को देखता है। हमें से कितने लोग हैं जो आज खुदा की बादशाहत में जाना चाहते हैं? कैन आई सी योर हैंड, क्या आप लोगों के हाथ में देख सकता हूं? हालेलुया, प्रेज गॉड। अब आपको क्या करना है खुदा की बादशाहत में जाने के लिए? अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, भाई पढ़े मत्ती 6 बाब, बहुत मशहूर हवाला है, 32-33 वर्स, मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत, यही वर्स है जिसने मुझे तब्दील किया था सन 74 में। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजसभाओं की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। क्या आपने इस लफ्ज पर गौर किया, इस वर्ष पर गौर किया? क्या कह रही है ये वर्ष? खुदा यीशु मसीह के लफाज है। हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट ही गलत लेते हैं। मेरे साथ है ना आप लोग, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 2-4 मिनट लूंगा फिर बंद कर दूंगा। हमारा स्टार्ट ही गलत होता है। हम पहले दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। जितना हम चीजों के पीछे भागते चीजें उतनी आगे भागती जाती हैं। फिर हम और तेज भागते हैं और चीजें और आगे होती जाती हैं। फिर भागते 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 हम थक कर जो है हमारा हार्ट फेल हो जाता है, वहीं पर हम खत्म हो जाते हैं। हमने स्टार्ट ही गलत लिया है। क्या लिखा बाइबल, क्या कहती, यीशु क्या कहता है? पहले तुम आसमान की बादशाही की क्या करो, तलाश करो। तो ये सारी चीजें जिनके पीछे आज का इंसान अंधाधुंध भाग रहा है, क्या होंगी? तुम्हें मिल जाएंगी। तो खुदावंद खुदा अगर आप दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, आप ये ना सोचे कि यू आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेटेड होना अच्छी बात है, तालीम होना अच्छी बात है। और सुलेमान बादशाह कहता है 19 बाब की 2 आयत में कहता है, ये भी अच्छा है कि रूह इलम से खाली ना हो। हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। शायद हमारे पासवान या दूसरे लोग हमें बताते हैं कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस खुदा का रूह ही है जो सारा कुछ करता है। अभी भी हम थोड़ी देर इसी बात पर बात कर रहे थे। तो पढ़ना लाजमी है और उसके साथ रूह मिल जाए तो फिर वो बड़ी बात हो जाती है। तो मैं ये बात कर रहा कि पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी। मैं 1971 में 71 में कराची में आया था और मेरा कोई जान पहचान नहीं था। मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा। मेरी फेसबुक पे टेस्टमनी आप वो देख लें। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं, एक रात मैं सोया हुआ था तो मुझे आसमान से आवाज आई, जवेद बेटा पहले आसमान की बादशाही की तलाश कर, दुनिया की सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। मैं उठकर जारो कतार रोने लगा और रोता ही रहा, बहुत आंसू बहाए, लेकिन जॉब तो मुझे फिर भी ना मिला, लेकिन यीशु मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। सुबह 4 बजे एक बुजुर्ग आता था जो मुझे उठाता था, जवेद बेटा उठ, तेरा वक्त हो गया है, और वो सिखाता।
मैं कान लगा के शिगर की मन कलाम सीखता रहा। फिर सन 74 में खुदावन ने मेरा ऑर्डिनेशन किया, पागरू दिया और मुझे मसा किया। मसा करके कहा कि जा आप तू मेरे मनादी कर। मैंने कहा खुदा मैं कहां जाऊं? खुदावन ने कहा कि तूने फला जगह जाना, मुझे सारा एड्रेस बताया। आप हैरान होंगे कि शायद ऐसे ही मैं कर रहा हूं बात, मैं खुदा की जूरी में खड़ा हुआ यह बात कर रहा हूं। इसी तरह खुदा नबियों के साथ कलाम करता था। मैंने खुदा से कहा मैं कहां जाऊं? खुदा ने कहा डोली खाते में जाऊं, वहां गंदा नाला है और उनका घर जो है एक ही कमरे का घर होगा और सिरकी वाला काने की जो आगे लड़की होती है चट चेक जो है वो घर होगा और जो कुछ करना होगा तुझे वहां बता दिया जाएगा। जैसे ही मैं उस घर में गया तो खुदा ने वो कलाम, ये 2 माह पाकरू मिलने के बाद, मेरी ट्रेनिंग जो है सेमिनरी 2 माह की है, 2 माह के अंदर मैंने इस बाइबल को जुबानी, इतनी मोटी किताब थी वो मैं लिखता था, मैं साथ साथ याद करता था, मेरे ब्रेन में खुदा ने कलाम ये बस कर दिया। आज तक मुझे भी याद है सबसे पहला सन 74 में मैंने मैसेज क्या दिया था, पादरी यकूब लाल दीन का दौर था, अगर आप इसको जानता हो तो दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी पहली 11 जाती है, जो खैमे का घर है गिराया जाएगा और हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी कि जो हाथ का बनाया हुआ घर। ये मेरा सबसे पहला मैसेज था। तो जब मैं उस घर में गया, बात हमारी हो रही थी, जब खुदा हमें, अब खुदा की बादशाह तुम्हारे अंदर कायम हो जाती है तो फिर खुदा हमें टीचिंग की नेमत भी देता है, फिर खुदा हमें प्रीचिंग की भी नेमत देता है, फिर खुदा हमें शिफा की भी नेमत देता है। हालेलुया। मैं उस घर में गया और उस आदमी ने कहा कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है मुझे। खुदा ने कहा आज इस घर में मेरा जलाल आश्कारा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड यहोवा की। अभी मैं अपने अंदर उस अनॉइंटिंग को महसूस कर रहा हूं। मेरा ईमान है कि आप लोग जो शफा की घर से आए आप शफा पाएंगे। जैसे मैंने हाथ बढ़ाया, अभी मैंने बोला नहीं है, ट्यूमर की क्या मजालती मसा के सामने ठहरती भाग गई। हालेलुया, प्रेज जीसस। एक नौजवान था, मैं पहाड़गंज जा रहा था, मेरे साथ मेरे चचा के बच्चे थे, मिस्टर नव रियाज गिल भाई जानता है, उनके 2 बच्चे थे, बल्कि 3 बच्चे थे, एक का नाम असद, दूसरे का नाम शहद और एक बेटी थी सनीला गिल। 2 बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए थे, एक मेरे चचा के पीछे, और ये एओ क्लिनिक पुल से पहले का वाकया है। एक बच्चा 7 साल का बड़ी तेजी के साथ भागा, मेरे स्कूटर के साथ टकरा कर काफी दूर जाकर गिरा और मैं, मुझे भी चोटें आई लेकिन मैंने अपना तो ख्याल नहीं किया। मैं बात ये कर रहा, जब बातचीत कायम हो जाती है किसी जिंदगी में तो मैं उसको लेके उठाकर, वहां और तो कोई क्लिनिक नहीं थी, अगर आप रोड को सामने याद रखें राइट साइड पे वो क्लिनिक है, लेफ्ट साइड पे जो है नफ्सियाती क्लिनिक है, तो आप मुझे कुछ समझ तो आ रही। मैं उठा के उसको, बच्चा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था, मैं उसको जो है वहां नफ्सियाती क्लिनिक में ले गया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आप इसको कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको जनाह या सिविल हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो मैंने कहा इसने मर तो जाना ही है, इसने बचना तो है नहीं, और खुदावन मुझे नहीं मालूम कि तू, मुझे तो लेके जा रहा था इवल स्पिरिट के लिए, पहाड़गंज एक औरत थी उसके अंदर इवल स्पिरिट थी तो वो निकालने के लिए हम जा रहे थे खुदा के नाम से, और रास्ते में ये काम हो गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ खुदा ये क्या हुआ, मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा था और ये कैसे हो गया। तो मैं अपने दिल ही दिल में दिल से बातें कर रहा हूँ, शायद खुदा मुझसे ये चाहता है कि मैं जाके जेल में जो जेलर हैं कैदी हैं उनके दरमियान मनाती करूं, अब तो मैं सलाखों के पीछे मुझे जाना ही जाना है। तो जब मैं ये बात कर रहा था यकीन जाने मेरे मुंह से लफाज अदा नहीं हुए, मेरी रूह लफाज को बना रही है,
और मेरे जेहन में ख्याल आया, उसको हम कहते हैं रेमा, कहता हुआ कलाम। ग्रीक में इसके दो अल्फाज इस्तेमाल हुए कलाम के लिए, एक है लोगास, दूसरा है रेमा। लोगास क्या है? पैदाइश से लेके मकाशवा तक लिखा हुआ कलाम। और रेमा क्या? कहता हुआ कलाम। खुदा ने रेमा में मेरे साथ बात की। क्या बात की? रूमियो 8 बाब उसकी 28 है। सब चीजें मिल मिला कर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अब मैं सोचने लगा क्या भलाई पैदा होगी अगर ये बच्चा मर गया तो, मुझे नहीं खुदा को पता। तो मेरी रूह कहती है तूने इसकी दुआ ही नहीं की। अब देखना वो खुदा का सर्कल जो है वो मौजूद अब मेरे चारों तरफ घूम रहा है, और मुझे खुदा कहता मैं दुआ करूं कि ये जिंदा इसकी रूह वापस आ जाए। मैं ये दुआ करने लगा हूं, अभी मैंने की नहीं है। वो बच्चे ने आंखें खोल दी। अगर आप खुश हैं तो ताली बजाएं जोर से, हालेलुया। जब खुदा की बादशाहत किसी में कायम हो जाती है तो फिर ऐसे ही काम होते हैं। हाँ, ये यीशु के साथ रहे हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ मेरे मजमून के साथ लिंक था तो मैंने बताया, नहीं तो वरना मैं अपनी जात के हवाले से, मोह जात के हवाले से नहीं बताता। अगर आप मोह से देखना चाहें, हमारे फेसबुक पे जाएं तो वहाँ पर टेस्ट मनी एक पेज है हमारा, आप उसको खोलें और देखें कि आप फेथ बूस्टिंग टेस्ट मनी मोह जात आप लोगों को मिलेंगे। तो जब खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। तो अभी मैं कह रहा था कौन कौन चाहता है खुदा की बादशाहत आप में कायम हो जाए। खुदा ने यीशु में आपने पिछले दिनों गुड फ्राइडे को 7 कलमे सुने थे। दूसरा कलमा क्या था, किसी को याद है? व्हाट वाज द सेकंड वर्ड फ्रॉम द क्रॉस? अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं फेसबुक पे, अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि दूसरा कलमा स्लीपर से क्या था। नहीं याद है? तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। दो डाकू हैं, एक डाकू कहां चला गया? जहन्नम। सारी उम्र डाके डालता रहा, आखिरी 6 घंटे का शिगिर्द यीशु पर ईमान लाकर क्या हो गया? बच गया। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी क्या करना? याद करना। तो आगे जवाबे लाही क्या मिला? तू कल की बात कर रहा है, मैं आज का बादशाह हूं, कल की बात नहीं। तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। सारी उम्र डाके डालता रहा, आखिरी 6 घंटे का शिगिर्द खुदा की बादशाहत का वारिस बन गया। और कलामे मुकद्दस कहता है मत्ती 8:21 आयत में के बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे, लेकिन बादशाही के फर्जंद बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। क्योंकि हम इस बात की इतनी परवाह ही नहीं करते। आज गैर कौमों की लाइन लगी हुई है, बेशुमार गैर मसीही खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। आज का कलाम अदालत के दिन हमारे ऊपर गवाही देगा। अगर आप मुबशरा खुदा के खादिम हैं, आपका काम बगैर सोचे समझे कि कोई तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप आखिरी मेरे कलम अब बात को सुने, मैं इसके बाद बंद करने वाला हूं। आपने कलाम सुनाना है इस मीत के साथ। ये कलाम बीज है, बीज के अंदर जिंदगी है, और बीज आज नहीं तो कल उगेगा, आपको गवाहियां मिलेंगी। आपने कलाम सुनाना है। जो हवाला तलावत किया गया था तो खुदा ने कहा कि जाना तुम देखना और उस घर में रहना, अगर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो सलामती उन पर ठहरेगी, अगर वो कबूल नहीं करते तो चलते वक्त अपने पांव की गर्द क्या कर देना? झाड़ देना। अदालत के दिन
वो गद उन पर गवाही देगी कि आपके पास मेरे खादम आए थे और आप लोगों ने कलाम को ना सुना। यकीन जाने आज आपको खुली छुट्टी है, आप कबूल करें या ना करें, लेकिन ये कलाम जो आप लोगों ने सुना है ना, ये आपके ऊपर लागू हो चुका है, ये अदालत ने पकड़ेगा। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, हवाला नोट कर लें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 12 बाब उसकी 48 आयत, क्या लिखा है कि मैं तो तुम्हें मुजरम नहीं ठहराता, एक है जो अदालत के दिन तुम्हें क्या करेगा, मुजरम ठहराएगा, वो कलाम जो मैंने तुम्हारे दरमियान रहकर किया है, ये कलाम हमें मुजरम ठहराएगा। तो आज आपकी मर्जी है, क्योंकि ये बादशाही कब कायम होती है, जब हम तौबा करते हैं। लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टियां के लोग, आप लोग दुनिया की बात हम जल्दी समझ जाते हैं, उससे फिर हम रूहानी बात भी समझ जाते हैं। किसी पार्टी में उन्होंने जाना हो तो टिकट लेनी पड़ती है, फिर शामिल होना पड़ता है, फिर वोट, ये सारी चीजें मैं याद दिला रहा हूं, तो इस प्रोसेस में से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम खुदा की पार्टी में उस वक्त, बादशाह में उस वक्त दाखिल हो जाते हैं जब हम सच्चे दिल से दुनिया से मुंह मोड़कर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और वो हवाला भी मैंने बताया निकोदीमस का, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 3 से लेके 15 आयत तक का पढ़ सकते हैं। मसीह यीशु ने साफ कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। तो अगर आज आप खुदा की बादशाहत में जाना चाहते हैं तो आप तौबा करें सच्चे दिल से। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा, और जो चाहते हैं, जिन्होंने, हम अपनी आंखें बंद करें चंद लम्हों के लिए और थोड़ी देर के लिए गौर करें आज के इस मैसेज पर जो हमने सुना है, और तौबा करें। खुदा से कहें कि आज खुदा ने तेरी बादशाही का फर्जंद और तेरी बेटी बनकर जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ।